नहीं गए हैं। बैगर करेंगे हम रोड पर। अबे रोड पर बहुत सारी गाड़ी होगी, ठुक ठुका गई तो मैं पता क्यों नहीं डरा। अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ यूं है कि फरिया से मैंने किया था परसों एक वादा कि यार तुझे मैं लाजमी 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 बाइक की राइड कराऊंगा, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ी हुई है जब से आई है ना सवाल, भाई आज बाइक की राइड करेंगे, भाई आज करेंगे। कराची में जो ना हम लोग कर नहीं पाते, यहाँ पर जो है ना बहुत खुला खुला माहौल होता है, और दूसरा फिर यहाँ पर इधर से उधर आप घूम भी सकते हो इजीली, रश वश भी नहीं होता है। मैंने फिर सोचा कि यार हाँ यार चलो कराची में तो कभी कराई नहीं बाइक की राइड, इसको मैं यही बाइक राइड करा देता हूँ, और रिजॉर्ट में भी करा सकता हूँ क्योंकि रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि बाइक ऊपर से नीचे ले जा सकते, लेकिन अंजी से गिरने के। अब मुझे तू बता कि बाइक राइड तुझे करनी कहाँ है? बाइक करेंगे हम रोड पर। अबे रोड पर बहुत सारी गाड़ी होगी, ठुक ठुका गई तो नहीं? नहीं मुझे आपके ऊपर भरोसा है पूरा। अबे पूरा भरोसा जिस पे पूरा भरोसा था वो गिरा भी देता आपको कभी कभी। नहीं यार इधर क्या मजा आएगा? अबे इधर से उधर जाएंगे, इधर से फिर बाहर निकलेंगे, फिर यूं फिर यूं। मुझे रोड का मजा लेना है। अबे यार रोड पे राइड करेगी, चल ठीक है। वैसे बाइक हमारे पास खड़ी भी है, स्टाफ की बाइक है, यहाँ खराब वराब हो गई, टूट फूट गई, गिर गई तो दिलानी पड़ेगी दोबारा से। वो आपका मसला है। मसले सारे मेरे, अपने चक्कर में तूने मेरे मसले डाल दिया। अभी हमारे सामने हमारे मैक्सी भी यहाँ पर बैठा हुआ है, मैक्सी को हम 3 दिन बाद मिल रहे हैं, सो मैक्सी सलाम दुआ कर देगा। सॉरी मैक्सी, मैं बासिल और सबा को नहीं लाया मैक्सी। ओए मैक्सी तो लेट गया, ओए मैक्सी, ओए मैक्सी बड़ा मिस कर रहा है बासिल और सबा को, भाई गुस्से में के लेकर क्यों नहीं आया मैं। लगा ले, डर मत लगा ले, लगा ले। अबे डरेगी तो वो तेरे कुछ कहेगा ना, डर मत। अबे देख आज मैं नहीं डरा वरना मैं भागता था, अब मैं पता क्यों नहीं डरा। अबे तूने मुझे भी डरा दिया। यूं करेगी तो वो तेरे को भोगेगा ही ना, उसको लगेगा मुझे मार रही है शायद। आपको डर रही से? अबे इसको बांधा हुआ है ना, मुझे पता है मेरे पीछे भागेगा नहीं। वरना ये पीछे भागता तो मैं भी यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा दिखता, मैं देखो रूम में दिखता कहीं ना कहीं। अबे मम्मा किधर है? मम्मा रूम में। भाई इतना बड़ा है ना रिसॉर्ट, पता भी लगता है मम्मा कौन से रूम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं? ठीक है ठीक ठाक। आप सुनाए, आप बताएं कैसे हैं? आप बताएं कैसे हैं? आप बताएं। हम मैंने आपका स्वाद का व्लॉग देखा जी, और मैंने जैसे देखा स्वाद आए हो, मैं मुल्तान से स्वाद आया हूँ सुनने। डायरेक्ट आ गए आप? डायरेक्ट आए। और आपको प्लान मिला नहीं बनाया कुछ भी? बस जिस पे हम जैसे आपका व्लॉग अपलोड हुआ ना नेक्स्ट डे में निकल गया। क्या बात है भाई, थैंक यू। तो भाई हमें मुल्तानी हलवा दिया है भाई, ये बोल रहे ओरिजिनल हलवा है भाई, एक पापा का एक मेरा। चल अब आप ढूंढते हैं बाइक और फिर राइड। पहले मॉम से पूछ लूं क्या, इसको ले जाऊं राइड पर? कहीं मॉम मना कर दें, बोले कि ठंड नहीं लेके जाऊं? मॉम यस कर देंगी। देख ले, यस कर देंगी। पहले मॉम से पूछ। मॉम मॉम कैसी है? मैं ठीक हूं। मॉम रूम में काफी मजा आ रहा है लग रहा है आपको? हां मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मॉम ये बताओ, ये बोल रही है कि मुझे बाइक राइड कराओ, करा दूं बाइक राइड क्या इसको? करवा दो। अबे तूने लगता मॉम को मनाया है पूरी रात? नहीं मैं मना नहीं करती वैसे किसी चीज को। अच्छा पता है ना? हाँ। तो भाई कह दिया मॉम ने कि इसको राइड करा दो, तो लेट्स गो, भी चलते हैं राइड पर। है राइड की बारी, पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं यार। चलानी आती आपको? अरे तू सिर्फ देख, मैं बाइक बाइक का राइडर था मैं। कौन सी बाइक है? वेट ओ ये आराम से ऊपर जाएंगे, ऊपर भी जा रही है। ये तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। चलो चलो भाई चलो, ध्यान से आप, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे लो आराम से आराम से आराम। बाइक में भी अलग ही मजा होता है यार। अभी हम यहाँ खड़े होकर दोस्त का वेट करते हैं, दोस्त गाड़ी लेकर आ रहा है। हाँ। ताकि वो भी हमारे साथ से चले ना। हाँ। रास्ता नहीं पता है, ये सही है। हाँ। अगर हम कहीं खो गए तो हो गया काम, हो गया। तो भाई शुरू हो चुकी है हमारी बाइक राइड, और बाइक राइड का सफर इतना मजे का लग रहा है, मुझे ठंडी हवा पड़ रही है फेस के ऊपर, और दूसरा अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आगे देखना कि क्या होता है। नाक जमती है, मुंह जमता है, क्या होता है। चलो चलो आगे माय फ्रेंड, चलो यहाँ से शुरू होते बाइक का सफर। आ गए हम मेन रोड पर, साइड पे चल रहे रिवर, और ठंडी नहीं हवा आ रही है। इनको ओवरटेक करता हूँ। हाँ करो करो करो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वाले चलो चलो चलो।
भाई गाड़ी घुमा ली हमने अभी। हाँ। और अभी हम किसी स्टोर पे जा रहे हैं, रुकते हैं और कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। हाँ। यहाँ की गलियां बिल्कुल साफ सुथरी गली हो रही है और इतना मजा आ रहा है यहाँ पर बाइक का यार, फ्रेश हवा है ना, बहुत मजा आ रहा है, मिट्टी नहीं लग रही है मुंह के ऊपर। चलाते ना बाइक में आंखों से आंसू आ जाते, आंसू नहीं आया देख, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत सुकून भी है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं स्टोर पर, फटाफट ले फटाफट, ये नहीं के सब ले ले सब पसंद आ रहा, तो कुछ सब नहीं थोड़ा सा। यही होता था बाइक राइड पे, हम लोग जब जाते थे तो कहीं ना रुकते थे कुछ खाने पीने के लिए, फिर पीते थे, फिर बाइक राइड करते थे। और इसी तरह साइकिल पे भी हम ये करते थे, जब साइकिल चलाते थे ना मैं, तो रुकते थे कुछ खाते पीते थे, फिर साइकिल राइड करते थे। जब भी बाइक चलाता ना मुझे अपना वो वाला एरा याद आ जाता है, क्योंकि बाइक को मैंने छोड़े हुए 4-5 साल हो गए, क्योंकि वो शायद आपको मैंने बताया था अपने किसी ब्लॉग के अंदर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से पापा ने मुझसे बाइक छीन ली थी। अब मैं बहुत कम ही बाइक चलाता हूँ, जब कोई मुझे कह दे कि मुझे राइड करनी है, वरना बाइक से बहुत दूर हूँ, क्योंकि बाइक राइड सेफ नहीं है पाकिस्तान में बिल्कुल भी। यह हमें चीज है। अब अगेन बाइक राइड है गाइस, ठंड में रिजॉर्ट तक की, सो लेट्स गो रिजॉर्ट तक चलते हैं। अभी वक्त है, गाड़ी में चलाकर जो ज्यादा ठंड लगी है, तो मुझे बाइक पे ही जाना है। बस ठीक है फिर चल बैठ फटाफट जल्दी जल्दी बैठ, तो आप चले जो मैं आ जाऊंगी रेस्ट पर। अबे गिर गिरा जाएगी, चल बैठ बैठ बैठ। ओ चाबी चाबी, अबे चाबी देख अंदर तो नहीं भूल गया कहीं, देख करा चाबी कहाँ भूल गई भाई, चाबी कहाँ भूल गया भाई, किसी और की बाइक थी हमारी नहीं थी। और बाइक की चाबी किधर गई, तुम्हारे पास ही तो थी। नहीं ना पता नहीं कहाँ गई, नहीं है चाबी यहाँ पर, ये रही मिल गई। लेट्स गो, अब चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ, और आपने ऊंचाई पे चढ़ाना है पीठ से वाली रिजॉर्ट वाली, वेट ठंडी ठंडी हवाएं पड़ रही है। तो पहुंच चुके हैं हम रिजॉर्ट, अब जाएंगे हम स्पीड से ऊपर, फुल स्पीड से, फुल ब्रेक तो आपको देना ही नहीं है। लेट्स गो, अब देखते हैं ये बाइक चढ़ पाती है ऊपर की नहीं चढ़ पाती। चढ़ रही है बजा दिया हमने ऊपर, कितनी स्पीड से डाली पड़ी थी ना, गाड़ी हम घूम सकते हैं बाइक पर, ये देख। इधर हम कितने टाइम बाद आते हैं, बाइक जो हमने वो अपने हेलीपैड पे रुक दी है, हमारे रिसॉर्ट का हेलीपैड का है कि यहाँ पर अगर किसी का हेलीकॉप्टर कभी हमारा आ जाए तो फिर वो इधर खड़ा हो। हाँ, तो इसलिए हमने अभी बाइक खड़ी कर दी क्योंकि हमारे पास अभी बाइक है। और यार माशाल्लाह इतना बड़ा रिसॉर्ट है ना, क्या बताऊँ कि मैं इस जगह पर 3-4 दिन बाद आया हूँ मैं खुद, अभी मैं रेजिडेंशियल भी नहीं गया हूँ, मतलब मैं जब भी आता हूँ ना पूरा रिसॉर्ट घूम नहीं पाता हूँ। हाँ, यही होता है मौसम, मुझे लगता है गाइस कल खराब होगा। और एक बैड न्यूज यही हुई कि बर्फ नहीं हुई हमारे सामने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हो जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि अब मौसम खराब हो रहा है, पर जब हम यहाँ पर आ गए और ये बात मुझे पता लग गई है कि कल परसों वहाँ बर्फबारी है, हमारा नसीब ही खराब है, नसीब नहीं था, बाइक पे चलेंगे तू बता। हेलो, अबे बर्फ बन जाएगी तू और मैं दोनों, कोई हमें तोड़ के पानी में डालेगा और ठंडा पानी पिएगा। तो यस, मैं बाइक से उतर चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ना ये नीचे है, तो माज भाई खुद लेके आ रहे हैं बाइक, ध्यान से लाना माज भाई, देख कर हमसे, रोको ब्रेक मारो, स्लिप हो रही है। हाँ ना, क्योंकि ये ऐसी ही ना जगह ये। चलो अब पार्क कर दो, बस बस। ओ भाई 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 भाई, ये क्या करा आपने, टूट गया वो देख शीशा, आपने बाइक का शीशा तोड़ दिया, मुझे क्या करा आपने, नहीं ये टूटा था ऑलरेडी, निकला है बस। मैक्सिको प्यार के लिए मैक्सिको डर गया यार, मैं बाइक चला रहा था ना, सब बस को लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आप उसके साथ खेलना मैक्सी, ठीक है मैक्सी, सुबह सुबह उसको खोलते हैं ताकि ये अपना वॉक वॉक पूरी कर ले और खेल कूद ले, लेकिन शाम में इसको मारने जब गैस वैस होते हैं ना, ताकि वो सिर्फ उसको देखे। हाँ। और दूर से एंजॉय करे ना। हाँ, मजा आया राइड में, इसके बाद ये मेरे पीछे नहीं लग गया, ये मुझे बोला मुझे खोलो ताकि मेरे पीछे लग जाए और मैं भाग जाऊं। कह रहा है मेरे साथ खेलो। हाँ। चल उछल के खा जा इसको, ये देख मैं सिर्फ इसकी वजह से भेजा था, ये देख ये क्या किया,
ओ हो बस अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। जाओ खेलो अब गंदा कर दिया पूरा खेलो अब जाओ शाबाश। गाइस अब तो गंदा हो गया इनका कपड़ा क्योंकि इसने यहाँ पर की होगी थोड़ी बोसी और वो टांग पे लगी होगी वो लगा दी कपड़ों पे। क्या चाहिए इसको? इसको गोद में आना है। बाकी अगर इधर छोड़ा ना अच्छा नहीं होगा। वो पट्टा उठा रहा अपना बोला पट्टे से बांधो। बाकी नहीं बाकी इधर लेके जाओ। जो डॉग लवर ना उनको इस डॉग का पता होगा कि यार ये हस्की जो वुल्फ ब्रीड है तो क्या कमाल का होता है ये डॉग यार। तेरे को मैं बताता हूँ। ओए धमकी धमकी दे रही है को। कॉल नहीं करी ना मैंने जब भी। अबे टमाटर तू इसको बताएगा मैं तेरे को आके बताऊंगा बेटा। अबे तेरे को ही बताऊंगा तू निकल। अबे तू जो गया टमाटर बेटा तू भी गया। देख लो टमाटर अभी उठाए अभी उठाई है। पाँच हो रहे 5 बजे उठाइए। अब जाके ना मम्मा आपने क्लास लेनी है इसकी। मैं तो जाके बताऊंगी इसको डंडे से या थप्पड़ से। डंडे से नहीं पानी से। अबे सुन स्पीकर पर है। हाँ। तेरी जगह प्लेटा हो तेरी दराज में चीजें रखी हुई सब खा गया। अबे टमाटर तू तो गया बेटा अब तो तू गया अब तो तू गया। गाइस टमाटर ने तो मेरे कमरा घेर लिया और सारी चीजें खा गया मेरी दराज में पड़ी होती है। तो गाइस अभी हम परी की चीज को खाते हैं। होती थी नरम पूरी। अबे भाई ये तो इतनी कड़क हो रही है ये जेली है क्या है ये क्या हो गया मार्शमेलो को। अजीब सी हो गई तो भाई इतनी सर्दी है कि ठंड की जगह पे मार्शमेलो काम नहीं कर पा रही। अबे ये भी बर्फ जैसी हो गई है कड़क हो गई है चीजें खा रहे हम गाइस। सो गाइस भाई बाहर रात हो चुकी थी मैं रूम में आ गया था थोड़ा बहुत रेस्ट किया और यार रूम में रहने का दिल कर रहा है बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा इतनी ठंड हो रही है बाहर। आप यकीन करो अंदर मैंने पहना है स्वेटर के ऊपर ये एक स्वेटर वाली शर्ट जो कि फुलस्तीन की उसके ऊपर ये शॉल फिर भी ना बाहर निकलते वक्त ठंड लग रही है। बाहर तो फुल रात हो गई है। पहाड़ों पर एक चीज बड़ी कॉमन है कि यहाँ पर जो भी काम है ना वो सुबह सुबह और दिन दिन में हो सकता है उसके अलावा जैसी दिन हल्का सा भी गया ना समझो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ठंड काफी हो जाती है ना तो इस वजह से सारे रूम्स में आ जाते हैं। बस अब जो है हमने खाना वगैरह खाना है और आज जो है हम खाने में कढ़ाई वगैरह ट्राई करेंगे और दूसरा बारबेक्यू ट्राई करेंगे तो आज आपको बारबेक्यू दिखाएंगे कि बारबेक्यू हमारा कैसा है। रश लगाया हुआ है भाई क्या बात है भाई इधर ही रहते हो प्यारे प्यारे बच्चे सारे इधर ही रहते हैं भाई सवाद के हैं किस्तों किस्तों में आते हैं गाइस सुबह अलग मिलते हैं फिर रात को अलग मिलते हैं। तो भाई मॉम लोगों ने तो अपनी फेवरेट प्लेस ये बना ली है क्योंकि इसके सामने ही जो है ना वो टीवी लगा हुआ है। एक तो खाने को एंजॉय करते हैं दूसरा बनते हुए भी एंजॉय करते हैं और ये हमारे रेस्टोरेंट का नहीं है लेकिन बाहर के जो चैनल्स जो होते हैं ना यूट्यूब पे कि वो खाने बनाने दिखाते हैं। मॉम गर्मा गर्म कढ़ाई रेडी हो रही है आपकी फेवरेट मुझे बहुत पसंद है। फरिया हमने क्या लगवाया है फरिया तेरे लिए हमने कुछ भी नहीं लगवाया आज तो नहीं वो ही मैं भी आज चिकन कढ़ाई खा लेगी। मैंने बोला कहीं फरिया बोले बर्गर मेरा किधर है फिर मैं बताऊंगी कि रोटी खाओ रोटी सब्जी मैं इसको वही खिलाऊंगी अब। हां इधर काफी से मजे कर लिए भाई अपनी फरमाइश तो खा रही है अभी शाम में भी इसने चाउमीन खाई है और क्लब सैंडविच खाया है शाम में घर में कुछ नहीं मिलेगा बासी का ही बता रही थी मैंने बासी को वीडियो कॉल करी तो जैसे मैं इसको अपनी तरफ के मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा जब मैंने उससे बोला ना हैप्पी बर्थडे फौरन ताली बजाने लग गया एक सेकंड नहीं उसने वेस्ट करा उसके बाद रोने लग गया क्यों को याद आ गया ना कि दादी दादी मुझे हैप्पी बर्थडे बोला मुझे नाराज हो जाता है पता नहीं क्यों मुझे देख ही नहीं रहा कुछ याद दिला उसको नहीं इसको मैंने बहुत पकड़ो ये 1 2 3 सब कर लिया है नहीं देख रहा मुझे तो यार बस यही है जब भी बाकी को छोड़ के जाओ मुझसे नाराज ही हो जाते हैं। अभी मैं उसको कॉल की थी बट उसने नफरत दिखाई कि बस थोड़ा व्लॉग में ही डालो थे तो अब जाएंगे तो उसको मना लेंगे। आ चुकी कढ़ाई हमारी और साथ ही साथ सो भाई देखते हैं इसमें क्या है। खुल जा आई थिंक भाई ये खोलना पड़ता है खुल जा सिम खुद नहीं है। ओए अच्छा एक बीफ कबाब एक चिकन कबाब वाओ और इसमें क्या है ओए इसमें नमकीन चिकन बोटी है। चिकन बोटी तेरी फेवरेट बीफ तेरी वैसे नहीं करवाई सिर्फ कि तू चिकन खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओए खाना फिनिश हो चुका है और हम लेकर आए थे भाई माल्टे जो कि हमने स्टार्ट में लिए थे सवाद से तो अभी हमें याद आया तो हमने बोला कि भाई छुरी वुरी लेकर आओ फटाफट से और इसको जिबा करते हैं। अबे भाई ये क्या लिया है अरे भाई ये तो पूरा चूरा लिया है बड़ा वाला बस उंगली देख के वो भाई उंगली बच गई अब सब हजम हो जाएगा भाई माल्टे के बाद क्या बात है आगे मजे गए। सो अबे भाई रिव्यू टाइम मॉम और फरिया का क्योंकि आज है भाई हमारा लास्ट डे कल जो है फिर हमें निकलना है पेशावर के लिए क्योंकि है हमारी फ्लाइट। सो इस ब्लॉग को इधर से ही एंड करते हैं उम्मीद है आप लोग पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो यार और रिव्यू क्या था भाई रिजॉर्ट पे काफी टाइम बाद आए हो आप दोनों कमाल
अल्फाज नहीं है मेरे पास। सच बता दे, सच ये देख के नहीं कि मेरा है। नहीं सच में प्रॉमिस। तो दिल नहीं चाह रहा पता है? मेरा तो दिल नहीं कर रहा पता है। पता है अब मैं आपको निसीब दिया आला कि मॉम बोल रही है मैं घर चलो। हाँ। और परी बता क्या बोल रही है? मैंने यही रहना है, मुझे यही रहना है। इतना इसको मजा आ गया, मतलब बच्चों के लिए काफी ज्यादा मजे की जगह है। और अभी इन फ्यूचर तो तू तो बोलेगी कि भाई मुझे घर पे रहना ही नहीं इन फ्यूचर। क्यों? अबे क्योंकि थोड़े बहुत से हम अगर यहाँ पर झूले मूले लगा दें तो फिर तो तू जाएगी। हाँ नहीं जब भी तो नहीं लगा रहा, जब नहीं इसको नहीं बताएंगे, इसके बगैर लगाएंगे। सो यार बाय बाय, काफी अच्छा इनका रिव्यू है। और बाकी तुम लोग आओगे तो तुम लोग बताना कैसा है। वैसे ठंड की जगह यहाँ पर कंफर्ट इतना नहीं होता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंफर्ट को थोड़ा दूर रखना होता है ट्रैवल पे। हमेशा बस व्यू को इंजॉय करना होता है और प्लेस को इंजॉय करना। हाँ वही बात हो गई ना, व्यू और प्लेस। लाइक बाय, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक सो बॉनफायर लगा है इस बार, तो हम इधर बैठ ही नहीं पाए क्योंकि जब सबा के साथ होता हूँ ना तो इधर बैठता था क्योंकि उधर वाला रूम लेता था। तो अभी आई थिंक सो कोई है ऊपर, मारते हैं। क्या बात है जी, पूरा सेटअप लगाया हुआ हमने। अभी आई थिंक सो ये फरिया को नहीं पता, वरना वो भी यहीं होती।